मध्य प्रदेश में एक सियासत इन दिनों ट्विटर पर भी जारी है। राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर ट्विटर के बयानवीर बन रहे हैं। हाल ही में बीजेपी ने कांग्रेस को 500 करोड़ की सरकारी संपत्ति बेचने का आरोप लगाया है, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को भी आड़े हाथ लिया। बता दें, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, जिसमें लिखा, भोपाल के रोशनपुरा चौराहा स्थित कांग्रेस के जवाहर भवन को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी द्वारा राहुल गांधी के चहेते बहुत बड़े ग्रुप को बेच दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार से आवंटित लगभग 500 करोड़ कीमत की संपत्ति को बेचने का अधिकार कमलनाथ जी को किसने दिया? इस बयान के बाद कांग्रेस कहां चुप रहने वाली थी। कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने इस ट्वीट को कोट करके कहा, भाजपा को मानसिक चिकित्सालय जल्द से जल्द खुलवाएं। उन्होंने लिखा, भाजपा मानसिक चिकित्सालय जल्द से जल्द खुलवाएं, इन जैसे भाजपा नेताओं को उसमें भर्ती कर इनकी जांच व इलाज करवाएं। दिन भर झूठ बोलना, उल जलूल बोलना, बिना सिर पैर की बात करना इनकी आदत बन चुका है। यह आरोप पूरी तरह झूठा है। लगता है कि भाजपा नेताओं में घटिया बयान की प्रतिस्पर्धा चल रही है। खैर, ट्विटर पर आए दिन ये आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं, अब ये आम बात हो चुकी है।